करेंगे आप अपने बारे में? या नमस्ते, मेरा नाम गीति कौर है और मैं मुंबई के विल्सन कॉलेज में पढ़ती हूँ। और मैं इंडियाज़ मिस TGPSC सीज़न 7 की फाइनलिस्ट हूँ और मुझे इस बात का काफ़ी गर्व है। ये मेरी मम्मा है जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन की एडवाइज़र है, और ये मेरे पापा, आप सबके प्यारे तिवारी जी। तिवारी जी, क्या कहना चाहेंगे, TGPSC है क्या और आपकी बिटिया है किसमें काफ़ी नाम कमा रही है, शॉर्टलिस्ट हुई है, क्या है बताना चाहेंगे? नहीं, मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है क्योंकि ये एक बहुत प्रेस्टिजियस जो है वो एक कैंपेन है जिसके अंतर्गत जो है ये, जैसा कि मुझे पता चला है कि ये एक मिस फेमिना या मिस मिस यूनिवर्स तक ये पहुँच सकती है, ऐसा मुझे आभास हुआ है। तो अगर ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए पूरी तरह से इसको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। सर, कैसे यहाँ तक पहुँचे, अगर बात करें गीति की, अगर बात करें कैसे यहाँ तक पहुँचे, इनके बारे में अगर बात करें? देखिए, इसका शौक जो है वो तो बचपन से था लेकिन मैंने नहीं पहचाना था, सॉरी टू से, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो थिंकिंग है वो थोड़ी सी टाउन वाली थिंकिंग है अगर हम कहें, क्योंकि लेकिन हमारी जो पत्नी है वो जो है वो महानगर से पली बड़ी है और इनका जो है वो बैकग्राउंड भी थोड़ा सा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से संबंध रखता है, तो इन्होंने जो है इसको ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और क्योंकि मैं जो हूँ थोड़ा सा कंजर्वेटिव पिता की तरह सोच रहा था, लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा सा मतलब इस तरीके सोचा कि एक बहुत ही ब्रॉड एटीट्यूड के अनुसार इन्होंने सोचा। अब बाकी ये बता पाएंगी कि कैसे क्या है जी, बताइए। नहीं, एक्चुअली गीति का शौक रहा है, टैलेंट उसका मतलब डांसिंग, सिंगिंग, हॉर्स राइडिंग करती है वो। यहाँ पे उसकी शुरुआत इस पेजेंट के लिए हुई थी जब कॉलेज में गई, वो मिस फ्रेशर बनी, वो जो मेरे लिए भी मतलब बहुत, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तब भी मैं साथ में थी उसके, मुझे याद है, तो वो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए जब उसका फर्स्ट पेज हुआ। ये पेजेंट में अच्छा करेगी मतलब आगे जाके, ये पता ही था मुझको। तो गीति का शौक जैसे पहले था कि ये बनेगी डॉक्टर, सर्जन एक्चुअली, बट सडनली एट तक वो सर्जन बनने वाली थी, लेकिन 9th में आने के बाद में परफॉर्मिंग आर्ट्स लेके जब ड्रामा सब्जेक्ट लिया इसने तो उसका शौक बदल गया, आई मीन एम्बिशन बदल गया, और ये अपने पापा की तरह एक्टर बनना चाहती है, मम्मा की तरह साइंस नहीं करना चाहती है। सो हमारे एक फ्रेंड है अविनाश पायल, जिसने गीति को देखा था एक बार और उन्होंने कहा कि एक मुंबई टाइम्स फ्रेश फेस है, यहाँ पे कंटेस्ट है तो आप इसे वहाँ भेजिए। तो कॉलेज में फेस्टिवल में काफ़ी बिजी रही हुई है लास्ट ईयर, तो ये गई नहीं और हमने भी बहुत लाइटली लिया, बट सडनली इनॉबर्ट मॉल में लास्ट ऐसा ऑडिशन आ गया तो उन्होंने कहा कि मैम रेखा जी आया है ऑडिशन, आप इसे भेजिए। और उस दिन भी गीति जा नहीं रही थी, लेकिन देयर वाज नो ऑप्शन क्योंकि घर पर कोई नहीं था, तो उसे जाना पड़ा और ये वहाँ जीती। तो उस वक्त भी मैं साथ में थी, तो हम वहाँ पर साथ में मिले एंड हमने इन्जॉय किया, एंड देन फिर वो सेमीफाइनल जीती और फाइनलिस्ट बनी एंड सेकेंड रनर अप आई वो बॉम्बे टाइम्स फ्रेश फेस सीजन 11 की। तो इसमें वो है कि ये पेजेंट में पार्टिसिपेट करेगी और उसे आगे जाना है, और TGPSC ऑनलाइन पेजेंट आ गया और हम खुश हैं कि ये फाइनलिस्ट बनी और ये अपने मतलब अपने टैलेंट और अपने मेरिट पे आई है यहाँ पे। एज पेरेंट्स हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कहीं नहीं रहा, लेकिन हाँ अब हम कुछ दिनों से इसे हेल्प ज़रूर कर रहे हैं इसमें। सो वी आर हैप्पी एंड प्राउड ऑफ कीति। थैंक यू सर। आप कितनी हेल्प करेंगे, आपके फैन जो है पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, वो बेटी है आपकी, उसके लिए क्या कुछ करेंगे आप, या आपने क्या किया है अभी तक? नहीं, मैंने अपने तमाम ग्रुप्स में शेयर किया है और मैं चाहूँगा कि वो आगे बढ़े, क्योंकि हाल ही में मैंने जो है वो चेतन भगत साहब का एक वक्तव्य पढ़ा जिसमें उन्होंने एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि 25 साल तक की उम्र में अगर बच्चे जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस तक अगर भरपूर मेहनत कर लें तो उसके बाद जो बिल आएगा उनको वो जो है वो ऐड होके आएगा, और 25 साल तक की उम्र में आपको ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, मतलब इसमें यह था कि आप जो भी कर लोगे अगर आप मैरी और ड्रिंक के उसमें होगा तो भी उसका बिल आएगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि वो क्या होगा ये आपको खुद तय करना है। तो मेरे को बहुत इंस्पायर किया, अगर मेरे टाइम में वो आया होता तो शायद मैं इससे भी बड़ी जगह पहुंचा होता, अगर ये इंस्पिरेशन मुझे मिली होती।
लेकिन फिर भी मैं एक छोटे से टाउन में यहाँ तक पहुँचा। तो मेरे मन में ये आया कि नहीं यार, वी हैव टू डू इट, कोई बात नहीं, अगर इसका इच्छा है तो लेट्स डू इट, और इसको पूरा सपोर्ट करना है। बेटी भी और बेटा भी सब कुछ यही है आपका, जो कुछ है सबकी निगाहें हैं, तो कहीं नहीं लगा आपको कि मुंबई जो हादसाओं का शहर है कहीं नहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि आए दिन ब्यूटी पेजेंट होते हैं, उनके नाम पर बहुत कुछ होता है, तो इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि रेखा जी ऐसे नहीं कर सकती? रेखा हाँ, जी ने क्या कहना चाहते हैं? नहीं बिल्कुल, मेरे दिमाग में बिल्कुल आया था, और मैंने पूछा भी था यार ये क्या है, ऐसा होता है कि कई बार जो है वो चीज़ें गुमराह भी करती हैं, बहुत सारा आजकल बहुत कुछ हो रहा है ऑनलाइन, मतलब क्या क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारी फेक न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे फेक वीडियोज आते हैं जिसको बाद में जो है वो बताया जाता है कि नहीं ये फेक था ये सही था, तो लेकिन क्योंकि मैंने रेखा पे इसलिए विश्वास किया कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे की, और थोड़ी सी एक इंटेलिजेंट एक सर्कल में रही है, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनका एक संबंध रहा है, और इन्होंने जीवन यहाँ तक जिया ही है, अकेले ही जिया है, तो मैं ट्रस्ट किया मैंने, और आई थिंक इट्स राइट ऑल्सो। और मैंने भी हमेशा यही चाहा कि मतलब बेस्ट लोगों के बीच में मूव करना है हमेशा, जैसे अगर डांस सीखना है तो एशले लोबो के यहाँ या शाम डावर के यहाँ, एक्टिंग सीखनी है तो खेर साहब के यहाँ, या फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या नसीरुद्दीन शाह साहब के मोटले में, अगर हमें ग्रुप ज्वाइन करना है नादिरा जी या कोई भी, जो बेस्ट और बेस्ट है उन्हीं के बीच में हमें मूव करना है, तो ये हमारा खुद की भी फितरत यही है, तो हम करेंगे ऐसा। काफी छुपे रुस्तम हैं आप, इतनी बड़ी सैलरी छोड़कर, इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर, ये सब क्या क्या है बताना चाहेंगे आप, और जो असली अंगूरी है पहले वो खुलासा कर दीजिए। नहीं मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत कम लोगों को ऐसा, मतलब ऐसा नसीब है मेरी तरह जैसे, कि जहाँ पे आपके हस्बैंड एक अच्छा बड़े कलाकार हैं, एक्चुअली सेलिब्रिटी हैं बड़े, और उनके काम के जो कर रहे हैं उसके ऊपर जो मलाई मिल रही है मुझे मिल रही है, क्योंकि भाभी जी घर पर कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि ये असली भाभी जी है, तो भाभी जी के नाम से मुझे जाना जाता है क्योंकि ये भाभी जी घर पर है कर रहे हैं, सो मैं पॉपुलर डेफिनेटली हो रही हूँ, खुश भी हो रही हूँ। हाँ थोड़ी बात बस भी होती है कि ये ज़्यादा टाइम एक्चुअली मैं वो उस भाभियों के साथ बिताते हैं, मेरे साथ कम बिताते हैं। नहीं ये एक ड्रामा है और ड्रामा चल रहा है। नहीं एक्चुअली मैं देखिए ना वो खुश नसीब है कि ये साथ में टाइम बिताते हैं, लेकिन ये तो अच्छा है कि शाम को घर पे वापस आते हैं। ठीक है, इतना बिजी शेड्यूल होता है, आपकी बेटी कब आपको मालूम पड़ा, कितने दिन की बात है कि इसमें हिस्सा ले रही है, या रेखा जी ने आपको बताया, और गीति आपने कब पापा को बताया कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? तो जब मैं फाइनल्स में सिलेक्ट हो गई थी तभी मैंने पापा को बता दिया था, लेकिन पापा इतने बिजी रहते कि पापा के ध्यान से निकल गया। फिर एक दिन मैं अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बना रही थी, तब पापा ने मुझे पूछा कि ये किसके लिए बना रहे हो, तब मैंने पापा को एकदम डिटेल में सब बता दिया। और एक दिन जब मैंने सुबह जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो बॉम्बे फ्रेश फिश कंटेस्ट के रनर्स अप में ऐसे नाम जब फोटो देखी तो मेरे को लगा अबे यार ये भी है क्या। ये जब तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो आ गई, अरे बाप रे। तीन बार ये तो मतलब ये तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा सीरियसली लेना शुरू किया, उससे पहले मैं आई एम वेरी सॉरी मैं सीरियसली नहीं ले रहा था, मैं सोचता ठीक है शौकिया रंगमंच जैसे शौकिया रंगमंच करते हैं वैसे ये भी चल रहा होगा, कहीं डर लग रहा है कुछ लड़की है। हाँ बिल्कुल डर तो है ही, क्यों नहीं होगा डर। तो आपको आए दिन कॉल आते हैं फैशन शो में आ जाइए, आप ब्यूटी पेजेंट है ये है, आपने भी हमें कितनी बार बोला है कि मैं बहुत कम पार्टी अटेंड करता हूँ, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए ये तो देखना ही पड़ेगा ना कि कौन लोग हैं क्या है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आइए ना हम आपको अवार्ड देंगे, अब कई जगहों से भी छोटे छोटे शहरों से कई जगहों से वो आता है अवार्ड देंगे वो देंगे, अब थोड़े से अवेयर होके चलना पड़ता है नेचुरली, क्योंकि ये एक तरह का ना मतलब एक पब्लिसिटी का धंधा भी बन गया है हर चीज़ में, हर आदमी ने एक धंधे के तौर पे अपना लिया है, तो सच्चाई की तलाश करना बड़ा मुश्किल भी हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी तक फाइनल्स के डेट डिस्क्लोज नहीं किए हैं, लेकिन अभी हमें टास्क मिलते हैं, दो तीन दिन में हमें क्वेश्चन आंसर्स के वीडियोस बना के हमें अपलोड करने रहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, क्योंकि ये मुझे सिखा रहा है। तो एक चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि आप कभी हारते नहीं हो, या तो आप जीतते हो या तो आप कुछ सीखते हो,
और मैं TGPC से बहुत कुछ सीख रही हूँ. अभी 7 सब टाइटल्स थे, जैसे कि मिस स्माइल, मिस टैलेंटेड, मिस फोटोजेनिक, मिस फ्लॉलेस, ऐसे सारे. उसमें से मैं 5 सब टाइटल्स में सिलेक्ट हुई हूँ, जिसमें से एक है मिस पॉपुलैरिटी. तो मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि मेरे इंस्टाग्राम बायो पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @GeetiGaur, उस पर एक लिंक है, उस पर जाके आप मुझे वोट कीजिए और उस पर कमेंट भी कीजिए. आप सर्विटी की बेटी हैं, उसका कितना आपको क्रेडिट मिलता है फील्ड में या कहीं भी आप जाते हैं? कैसा आपको लगता है जब आप बोलते हैं अरे तिवारी जी की बेटी जा रही है, वोट साहब के नहीं? तिवारी जी की बेटी ऐसे मुझे कॉलेज में तो बहुत बुलाते हैं और पापा के बारे में बहुत पूछते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी प्राउड फील होता है मेरे पापा के लिए कि चलो तिवारी जी की बेटी हूँ मैं. लेकिन आई थिंक नाउ इट्स हाई टाइम कि मैं अपने पेरेंट्स को अभी ऐसे बुलाऊं कि ये गीती के मम्मी पापा हैं. और एक चीज़ जो है, अभी हाल ही में एक बड़ी बढ़िया बात कही है, इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पर मत लीजिएगा, अजीत डोवल साहब जो है हमारे, उन्होंने कहा, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं कहूँगा लेकिन उन्होंने अपनी एक विचार दिया है कि हमेशा जो है कौन जीतता है, जीतता कौन है, जीतता हमेशा वो है जो शक्तिशाली है. ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, कमज़ोर आदमी कभी नहीं जीतता. तो शक्तिशाली बनना है, बात खत्म हो गई, इसके आगे कुछ नहीं. कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना? कभी आपको लगा कि मैं गलत, ये जाना बहुत मुश्किल है, टाइम निकालना, किसने कैसे तैयारी की आपने इसके बारे में, किसने आपकी हेल्प की? तो मम्मा मेरी हमेशा हेल्प करती है, पापा भी हेल्प करते हैं, लेकिन क्योंकि पापा शूट पे ज़्यादा रहते हैं तो मम्मा मेरी बहुत हेल्प करती है. जैसे अभी क्वेश्चन आंसर्स भी आते हैं तो कभी मैं मम्मा की हेल्प ले लेती हूँ, और वीडियोस बनाती है मम्मा मेरी, शूट करती है मम्मा. हाँ, फिर एंगल नहीं सही आ रहा, ये नहीं आ रहा, तो मम्मा मेरी डायरेक्टर है. तो नहीं, एक्चुअली देखिए, घर में कोई तो होना चाहिए ना संभालने के लिए. तो मैं, क्योंकि मैंने जॉब, एक्चुअली मैंने अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब थी मेरी, एक तगड़ी मोटी सैलरी जैसे आपने कहा, छोड़ के मैं यहाँ घर पे हूँ, तो डेफिनेटली मैं जितना हो सके मुझसे मैं करती हूँ. मैंने ये भी सोचा है कि मैं एक फोटोग्राफी कोर्स कर दूँ, क्योंकि मुझे कई बार प्रॉब्लम होता है कि मैं किसको बुलाऊँ, फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं होते हैं, और हम बहुत रेयरली, क्योंकि फोटोग्राफर को बुलाना, फिर उनके साथ में जो चाहिए वो मांग करवा के लेना बहुत मुश्किल है. तो मैं ही इसके बाद फोटोग्राफी करती हूँ, और कई बार इसके फ्रेंड्स इसको हेल्प करते हैं. तो बाकी कुछ नहीं, जैसे पेरेंट्स, सब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं बच्चों को अपने, जो बेस्ट हो, मैं उसके लिए जो बेस्ट होता है मैं जहाँ तक होता है कोशिश करती हूँ. बट मुझे लगता है अंदर से कि ये मैं बहुत और कर सकती हूँ इसके लिए, तो ये सिर्फ थोड़ा सा ही है बस. ये विनर के लिए क्या तैयारी कराने आप इसकी? क्योंकि ये ऑनलाइन पेजेंट है तो इन्हें टास्क मिलता है, चाहे वो एज ए, इनकी टीम बनी है, और टीम में लीडर भी है, वो भी संभालती है वो टीम अपनी. तो इन्हें टास्क में होता है कि क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसका आपको जवाब देना है. आपका जवाब कंटेंट क्या है, आप कैसे कह रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने कंफर्टेबल हैं, आपके बॉडी लैंग्वेज क्या है, इस सब पे इनको मार्क्स मिलता है. और इनके कुछ जूरी बाहर फॉरेन से भी हैं. तो जहाँ ये चाहती है कि ये इसे क्वेश्चन लेने थे, हम गए भागे वहाँ पे, इसको वॉक के लिए कहीं स्पेस चाहिए, उस वक्त बारिश हो रही थी और उनको वॉक भेजा था, तो हमने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब ने हमें हेल्प किया वहाँ पे, हम वहाँ गए. तो ये इस तरह से जहाँ पे भी होता है फिलर के टाइप में वो है. और बाकी ये, क्योंकि अभी ये पेजेंट में है तो ये काफ़ी वीडियोस देखती है कि पहले कैसे हुआ, कौन विनर रहा या कौन क्यों नहीं रहा, तो ये काफ़ी इसके लिए एक प्रोसेस है. और एक बार तो इसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए थे जिसके लिए हमने कभी सुना ही नहीं कि कौन से पेजेंट में किसने क्या किया था, क्या क्या नहीं, जो बातें हिडन है बेसिकली. सो वो मेरे लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस था. और बाकी तो हम एवरी डे ही सीख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पेजेंट में टास्क मिलता है और ये टाइम पे कंप्लीट करना है, और उनका अदरवाइज बंद हो जाता है. तिवारी फैमिली बहुत ही सिंपल फैमिली है, घर के अंदर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बिल्कुल सिंपल है, एक अंगूरी है, एक सामने रियल अंगूरी है. तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? पूरे मेकअप में रहती है, पूरा दिन भर एक आपके सामने आपकी धर्मपत्नी है, असली अंगूरी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असली अंगूरी जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि वो तो मतलब एक तरह से स्टेजी वो है. तो यही कहना चाहूँगा कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि वो जो है वो मेरी एब्सेंस के बिना जो है इसका साथ दे रही है. लेकिन पता क्या हो रहा है, मैं कितना भी कर लूँ बच्चों के लिए, कहते हैं ना बेटियाँ पापा की होती है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर मैंने एक दिन के 23 घंटे 55 मिनट भी दे दिया ना इसको, 5 मिनट पापा का मिल गया ना, तो पापा हो जाता है. कि मैं इसके लिए इतना कुछ खरीदती हूँ उसे याद नहीं होता, पापा ने कुछ ले लिया तो बस पापा ने ले दिया. ज्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप अपनी बेटी के लिए, अपने जो फैन है आपके और वर्ल्ड में, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है वो जेन्युइन बने, शक्तिशाली बने, और किसी के ऊपर बहुत डिपेंडेंट ना रहे, और किसी से जीवन में कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें.
एक्सपेक्टेशंस जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। इसलिए अकेले जीवन की ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कल को हम हैं और नहीं भी हो सकते कल को, तो क्या अलर्ट तो वो जो शून्यता होती है उस समय, वो जो शून्यता के बिना जो जीवन होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आज मेरे माँ पिताजी नहीं है मेरे साथ, है ना, संजय दत्त ने भी ये बात कही थी, जब पापा थे, जब दत्त साहब थे, तब मैं जो था आज मैं वह नहीं हूँ। तो उस समय की जो वो बात है ना, उस समय जो मैं शक्ति बटोरूंगा वो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वोटिंग के लिए क्या मैसेज देगा अपनी बेटी के लिए? यही कि अगर आप समझते हैं कि ये जेन्युइन है, ये सच्ची है, तो इसको वोट दीजिए खूब और इसे विजय बनाइए, बस बात खत्म। आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं इंडियाज मिस टीजीपीसी सीजन 7 की विनर बनना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सबटाइटल्स भी जीतने पड़ेंगे। तो एक सबटाइटल है मिस पॉपुलैरिटी, उसके टॉप 10 में मैं हूँ। तो आप जाइए मेरा इंस्टाग्राम पे @गीतिगौर और लिंक पे जाके मेरे लिए वोट कीजिए। थैंक यू। एज ए मॉम क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं देखो, मैं तो चाहूँगी कि जीते ही है, क्योंकि इसमें वो सब क्वालिटीज़ और टैलेंट है जो होना चाहिए बेसिकली टाइटल होल्डर के लिए। सो ये अपने पैशनेट है, ये बहुत मेहनत कर रही है, और ये क्योंकि इनका जो ऑनलाइन है, ये बता दो लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंट है तो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना है और व्हाट्सएप ग्रुप में इनको हमेशा अवेलेबल रहना है। तो मैसेज कभी भी 24 में कभी भी आता है एंड टाइम मिलता है कि ये 2 घंटे में करना है या ये रात तक करना है। सो वहाँ पे वो एक अवेयरनेस, तो मैं देखती हूँ कैसे करती है, ये बहुत पीछे पड़ी है ये हर चीज़ के, और डेडिकेटेड है और हार्ड वर्किंग है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ और प्लीज अपील करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसे वोट दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है इसीलिए आपके सपोर्ट के बिना आगे आना बहुत मुश्किल है। आप व्यूज़, वोट्स, कमेंट्स, लाइक, शेयर सब काउंट होते हैं इसके टैलेंट और हार्ड वर्क के अलावा। तो आप लोगों का साथ होगा तो ये डेफिनेटली जीतेगी, और प्लीज़ इसे वोट करके इसे जिताइए और इंडिया मिस टीजीपीसी सीजन 7 का विनर बनाइए। थैंक यू। मैं रोहिताश्व गौड़ उर्फ मनमोहन तिवारी, भावी जी घर पर एक ही तरफ से और गौड़ परिवार की तरफ से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं देता हूं, अपने तमाम दर्शकों को, अपने तमाम फैंस को भी। आप सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, एंजॉय कीजिए। अब जिन्होंने भी व्रत रखा है वो अच्छे से खाना खाइए, और कल दही हंडी, मुंबई का जो सबसे बड़ा और एकदम मस्त वाला जो त्योहार है वो मनाइए। असली अंगूरी की तरफ से। हाँ, मैं रेखा गौड़, रोहिताश्व गौड़ की वाइफ, यानी तिवारी जी की असली अंगूरी, घर की अंगूरी, आप सबको जन्माष्टमी पे विशेष शुभकामनाएं देती है। जाइए, इंजॉय कीजिए और मौज मस्ती मनाइए। कल दही हंडी जरूर फोड़िएगा, या नहीं फोड़ा तो देखिएगा जरूर। और मैं कहूंगी हाय दैया, लड्डू के भैया सही पकड़े हैं। सर मुझे खाली एक मेरा नाम माही है, मैं यही कहना चाहूंगी, मैं दीदी की पूरा नाम लो बेटा, माही गौर, माही संतानी। ओके। मैं बहुत प्राउड हूँ कि दीदी ये पेजेंट की एक हिस्सा है, और मैं यही चाहूंगी कि ये दीदी पेजेंट जीते। थैंक यू। मेरा नाम संजीति गौर है, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि दीदी यहाँ तक पहुँची, और शी इज़ वेरी टैलेंटेड एंड देयर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट, दीदी को वोट, आई लव यू। मेरा नाम आंचल संतानी है, दीदी हमेशा अपने काम के लिए बहुत डेडिकेटेड रहती है, तो हम सब चाहेंगे कि दीदी जीते। थैंक यू सो मच। थैंक यू।